श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कि सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक बनना सरल है, पीठाधीश मठाधीश बनना सरल है, पर एक घर में रहकर घर का काम करते हुए परिवार को संभालते हुए भगवान की भक्ति करना कठिन है। तो कहा क्या भगवान इनको मिल जाता है जो ये इतना भगवत, बहुत सारा तिलक छापा भी लगाया, बहुत सारा जटाजूट भी बांधा, बहुत सारी माला कंठी भी पहनी, बहुत सारे वस्त्र भी बदले, भगवान मिला? पर या तो शिव महापुराण की कथा कह रही है, तुलसीदास जी रामचरित मानस के अंतर्गत वर्णन करते हैं, आदि में पुनी आद। बस बहुत है उतना, थोड़ा भी जपा उतने में भगवान मिल गया, थोड़ी साधना में भी परमात्मा मिल सकता, थोड़ी साधना में भी भगवान भगवत पद प्राप्त कर सकते, थोड़ी साधना, बस निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। यदि भाव शुद्ध है तो भगवान मिलेगा, और भाव शुद्ध नहीं तो भगवान भी नहीं। मारो आप जितने निर्मल भाव से, निर्मल चित्त वृत्ति से, निर्मल मन से भगवान को रिझाओगे, भगवान मिल जाए। तो कहा भगवान मिले तो देखो दो तरह के लोग, बहुत सरल भाषा में समझना मारा, बहुत सरल भाषा में समझो, दो तरह के लोग होटल में गए, और दो तरह के लोग जब होटल में गए और होटल में जब पहुंचे, तो होटल में गए तो उन लोगों ने कचौड़ी भी खाया, समोसा भी खाया, जलेबी खाई, इमरती खाई, भजिया पकोड़ा भी खाया, सब खाया। तो एक तो वो होता है जो तुरंत उठकर गया और काउंटर पे पहुंच के बिल दे दिया, तुरंत गया और होटल पे जाके उसने बिल दे दिया, काउंटर पे पहुंच के बिल दे दिया। और एक वो होता है, मैं देता रहूं, एक वो व्यक्ति होता है जो केवल दिखावा करता, मैं देता रहूं, अरे तो दे नहीं, दे रहा हूं करे दे। परंतु एक वो जिसने एक बार भी नहीं पूछा कि बिल कौन देगा, जेब में से निकाला दे दिया। और एक वो जो मैं कह रहा है कि मैं देता रहूं, महाराज बस शिव पुराण कहती है ये दो तरह के लोग हैं। एक वो जो कहते हैं हम भगवान को रिझा लेंगे, हमें इतनी सामर्थ्यता है कि हम भगवान को मना लेंगे, एक कहते हैं हम वस्त्र बदलने से, एक कहते हैं हम इससे भगवान को रिझा लेंगे, और दूसरा कहता है भाई घंटों तक माला जपने से भगवान मिलता होता तो क्या कहने थे। शंकर कहते हैं निर्मल मन सो मोहि पावा, रामचरितमानस कहती है आपका एक क्षण का भजन, एक मिनट का भजन, बस भगवान के मंदिर में पहुंचे और भगवान से एक क्षण की लगन लगाई और भगवान तुम्हारा हो गया, तुम भगवान के हो गए, बस यही भाव। पुष्टि मार्ग में पांच दर्शन बताए हैं भगवान के, कितने दर्शन है? पांच। पहला दर्शन है भगवान के चरण का, भगवान के चरण का दर्शन करते समय तुम्हारा चित्त वृत्ति यह होना चाहिए कि भगवान हमारे जब प्राण छूटे तो हम तुम्हारे चरणों में समाहित हो जाएं। दूसरा दर्शन है भगवान के नाभि कोश का, भगवान की नाभि का जब दर्शन करो तो भगवान से विनती करो, भगवान आपकी नाभि इतनी गहरी है कि ब्रह्मा इस नाभि से प्रकट हुए और ब्रह्मा ने हजारों वर्ष नाभि में रहकर तब साधना करी तो मालूम नहीं पड़ पाए कि कितनी गहराई है, कितनी गहराई है ये ब्रह्मा जान नहीं पाए। दूसरी तो पहला दर्शन चरण, दूसरा दर्शन नाभि, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान तुम्हारी नाभि इतनी गहरी है, हम नाभि का जो दर्शन करते हैं, आपकी नाभि इतनी गहरी है कि ब्रह्मा भी जिसका छोर नहीं पा पाए, प्रभु ऐसी कृपा करना
जितना आपकी नाभि गहरी है और आपने ब्रह्मा को बाहर निकाला, ऐसे ही यह भवसागर गहरा है, हमको भी बाहर निकाल देना। तीसरा, भगवान का वक्षस्थ, भगवान का हृदय, भगवान का वक्षस्थल। और भगवान के वक्षस्थल का जब दर्शन करो, भगवान से विनती करो, भगवान हम आपके वक्षस्थल का दर्शन कर रहे हैं प्रभु, तो वक्षस्थल के दर्शन से क्या मिलता है? तो कहा, सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, महंत, संत सब प्राण छोड़ने के बाद जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हुए प्राण त्यागते हैं, वो भगवान के हृदय में जाकर बैठ जाते हैं, भगवान के हृदय। एक व्यक्ति ने भगवान से कहा, भगवान एक बात बताओ, हमारे यहां पर ज्यादा नींबू आता है तो हम अचार डाल लेते हैं, हमारे यहां ज्यादा केरी आती है तो हम अचार डाल लेते हैं, हमारे यहां ज्यादा आंवला आता है तो मुरब्बा डाल लेते हैं। प्रभु, आपके यहां इतने सारे भक्त प्राण छोड़ने के बाद आते हैं, इतने सारे तुम्हारे भजन करने वाले, कीर्तन करने वाले, तुम्हारा स्मरण करने वाले जब मरकर प्राण छोड़कर तुम्हारे पास आते हैं, तो प्रभु ये बताओ कि तुम क्या करते हो, तुम करते क्या हो? भगवान बोले, हम भी अचार डाल लेते हैं। अब भक्त के समझ में नहीं आया, भगवान आप अचार कैसे डालते हो? भगवान बोले, भाई देखो, अचार को कांच की बरनी में, चीनी की बरनी में रखना पड़ता है, जिससे वो सड़े ना, गले ना, बेकार ना। स्टील, तांबा, पीतल में रखेंगे तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, बेकार हो जाएगा, इसलिए कांच की बरनी में रखा, कांच की बरनी। भगवान कहते हैं, जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा जितने हैं, भगवान कहते हैं, इनको मैं हृदय रूपी कांच की बरनी में संजो कर रख लेता हूं और देखता हूं, जहां पर सत्संग कम होता है, भजन कम होता है, कीर्तन कम होता है, स्मरण कम होता है, वहीं पर एक अचार की फांक निकालकर पटक देता हूं। जैसे जिंदल परिवार ने अचार की बरनी को खुलवा कर यीशु महापुराण की फांक पटकवा दी और दुनिया के लोग इसको चाट रहे हैं, ये अचार की वो फांक है। अचार तो अचार होता है, किसी को तेल पसंद आता है, किसी को मसाला पसंद आता है, किसी को फांक पसंद आती है। उसी तरह शिव महापुराण में किसी को भजन में सुख मिलता है, किसी को प्रवचन में सुख मिलता है, किसी को कथा रस तत्व में सुख मिलता है, किसी को शिव महापुराण में बताए हुए उपायों में सुख मिलता है। ये अपनी रुचि है कि हम अचार में से क्या ग्रहण कर रहे हैं, ये अपनी रुचि है कि हम क्या पा रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं। बस चित्त वृत्ति आपकी हो, मन आपका। भगवान तीसरा दर्शन, पहला दर्शन काय का चरण, दूसरा दर्शन काय का नाभि, तीसरा दर्शन वक्षस्थल, चौथा दर्शन भगवान की शिखा चौटी, और पांचवा दर्शन है भगवान के नयन। अंतिम दर्शन है नयन, नैनों से नैन मिला ले फिर जन्म सफल हो जाए। बस एक क्षण भगवान के मंदिर में पहुंचकर, भगवान शंकर की चौखट पर पहुंचकर, भगवान के द्वार पर पहुंचकर, आप जब भगवान को जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, समीपत्र चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, तो आपकी चित्त वृत्ति यह होना चाहिए कि भगवान मेरा हो जाए और मैं भगवान का हो जाऊं। हर हर महादेव, आप भगवान के, भगवान आप। आप भगवान, भगवान आप। बस ये भाव जब जीवन में आ जाएगा तो दुख अपने आप कट जाए, अपने आप। देवी जी के मंदिर में जाओगे तो नयन का दर्शन होता है, माता जी के मंदिर में। गणेश मंदिर में जाओगे तो भी भगवान के नयन का दर्शन होगा, राम मंदिर में जाओगे तो भी भगवान के नयन का दर्शन होगा,
पर जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मेरे श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर के शिवलिंग पर आपको कहीं नयन का दर्शन होता है कि पूरे शिवलिंग में गोल भगवान शंकर के शिवलिंग में भगवान के नयन कहां है? कहां नयन? तो किसी ने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ सारी मूर्तियों में भगवान नयन के दर्शन होते हैं, पर आपके नयन के दर्शन नहीं? भगवान कहते हैं नयन की जरूरत आपको है। भगवान कहते हैं मेरे शिवलिंग के भीतर में मन के नयन से जो आपके दर्शन कर लेता हूं, उससे आपको सुख प्रदान कर देता हूं। मेरा भगत पीछे खड़े होकर भी जल चढ़ाएगा तो मैं स्वीकार करूंगा। मेरा भगत, आज के जमाने में आप लोगों ने देखा होगा कि गर्भगृह जो होते हैं भगवान के, 12 ज्योतिर्लिंग जो मंदिर हैं, तो गर्भगृह में आजकल जाने की अनुमति नहीं देते। एक लंबा पाइप लगा देते हैं, आप यहां से जल चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, वो वहां पर चले जाएगा और शंकर जी पे डल जाएगा। तो कई लोग कहते हैं नहीं, हम तो अंदर जाएंगे, हमें तो अंदर ही जाना है, हमें तो भगवान को ही चढ़ाना है, हमें तो भगवान शंकर को ही समर्पित करना है। तो ये तुम्हारी चित्तवृत्ति से निकाल दो। शंकर भगवान की कथा कहती है अगर तू कोसों दूर जाने दे, तुम जहां टीवी के सामने बैठकर भी अगर आप भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, ये जिंदल परिवार ऑनलाइन जो कथा करवा रहा है उससे भी निवेदन है, और आप सबसे निवेदन, आप जहां बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, आपने विचार कर लिया आज मैं सोमनाथ जी में हूं, सोमनाथ का दर्शन कर रहा हूं, आज मैं सोमनाथ जी का अभिषेक कर रहा हूं, भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके अभिषेक को स्वीकार कर लेता हूं, मैं उसके जल को स्वीकार कर लेता हूं। कोई ये ना सोचे कि मैं मंदिर जाऊंगा तब भगवान मिलेगा। बहुत विशेष है महाराज, बहुत विचित्र। शिव महापुराण के एक एक संवाद को अगर मनुष्य सुन ले तो जीवन सार्थक हो जाए। जीवन सार्थक, कोई कहे तुम रोज मंदिर जाओगे तब भगवान मिलेगा, शिव महापुराण कहती है मन को मंदिर बना लो भगवान मिल जाए। मंदिर गए भी और मन साफ नहीं है तो भगवान मिलेगा? अरे बोलो तो, नहीं मिलने वाला। मन में तो इतना मेल भरा, कपट भरा, छल भरा, बेईमानी भरी, प्रपंच भरा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो प्रसाद बांटता है वो नरक जाता है। तो कई लोगों के प्रश्न आए, महाराज तुम कैसे कह देते हो कि बताओ प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है, तो दुनिया के लोग प्रसाद ही नहीं बांटेंगे। अरे भैया, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है, तो ऐसा क्या लिख दिया वेद व्यास जी ने कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद सत्कर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद मंदिर देवालय तीर्थ में बंटता है, प्रसाद कथा भागवत सत्संग में बंटता है, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। और प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है अपना आया तो हाथ इतना बड़ा हो जाता है, पर आया तो हाथ छोटा हो जाता है। जो भगवान के सामने खड़ा होकर भी कपट करता है, छल करता है, बेईमानी करता है, वो सीधा नरक चले जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रसाद बांटने वाले को भी चाहिए, अगर भगवान के मंदिर के प्रसाद को तू बांट रहा है तो तेरी पत्नी भी आकर खड़ी हो जाए तो उतना प्रसाद देना जितना दुनिया को दिया है, तेरे बच्चे भी आकर खड़े हो जाएं तो उतना देना जितना दूसरे बच्चों को दिया। मन से रिझा लो मन से, और जब भाव मन चित्त वृत्ति भगवत भजन की ओर रमेगी तो आप रूप सुख का भान होगा। भगवान शिव के दरवाजे पर आप नहीं भी पहुंचे तो चित्तवृत्ति से आपने रिझा लिया शंकर को,
तेरी चौखट पे आके भोले बाबा, कोई रोता सी सकता नहीं है, तेरी चौखट पे आके भोले बाबा, कोई रोता सी सकता नहीं है, बिन मांगे ही मिल जाता इतना, बिन मांगे ही मिल जाए इतना, कोई दुख से भी लगता नहीं है, बिन मांगे ही मिल जाता सब गाइए ना, कोई दुख से भी लगता नहीं है, तेरी चौखट पे आके भोल बाबा, तेरी चौखट पे आके भोले बाबा, कोई रोता सी सकता नहीं है, तेरी चौखट पे आके भोले बाबा, कोई रोता सी सकता नहीं है, बिन मांगे ही मिल जाता इतना, बिन मांगे ही मिल जाता इतना, कोई दुख से भी लगता नहीं है, कोई दुख से भी लगता नहीं है, तेरी चौखट पे आके बोल बाबा, बोले खाके आता चैन है वो तेरे दर पे पाता, चोट दुनिया से जो खाके आता चैन है वो तेरे दर पे पाता, चोट दुनिया से जो खाके आता चैन वो तेरे दर पर है पाता, चोट दुनिया से जो खाके आता चैन है वो तेरे दर पे पाता, हार जाता है जो जिंदगी से, 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 वो भी हंसता तेरी बंदगी से, वो भी हंसता तेरी बंदगी से, तेरी चौखट पे ओ भोले बाबा, तेरी चौखट पे ओ भोले बाबा, कोई रोता सी सकता नहीं है, कोई रोता सी सकता नहीं है, ओ अरे हाँ
लगना हो तेरा इशारा, जब लगना हो तेरा इशारा, कोई बादल बरसता नहीं, जब लगना हो तेरा इशारा, कोई बादल बरसता नहीं तेरी चौखट पे आके बोल बाबा, कोई रोता सी सकता नहीं है, तेरी चौखट पे आके बोले बाबा, कोई रोता सी सकता नहीं है, बिन मांगे ही मिल जाता इतना, कोई दुख से भी लगता नहीं है, बिन मांगे मिल जाता इतना, कोई रोता भी लगता नहीं है, ओ कोई दुख से भी लगता नहीं है, कोई दुख से भी लगता नहीं है, कोई रोता भी लगता नहीं है, कोई रोता भी लगता नहीं है, हर हर भगवान शिव की कथा कर रही है। यदि शंकर के दरवाजे के सामने से भी निकलकर चले गए, शिव के सम्मुख से भी अगर निकलकर चले गए, शंकर की चौखट के सामने से निकल गए, शिव के शिखर का दर्शन ही कर लिया तो सुख मिल गया। बस बहुत सुख का अनुभव हो जाएगा, दुख मिट जाएगा। कोई कह रहा था गुरुजी स्त्रियां क्या भगवान शंकर की पूजन शिवलिंग को छू सकती हैं, पूजा कर सकती हैं? कोई पूछ रहा था, किसी ने मैसेज में लिखा होगा। देखो दीदी अरियो जी जी जिसने भी प्रश्न किया है, फिर निवेदन करूंगा, सबसे ज्यादा भोला 33 कोटि देवताओं में अगर कोई सबसे ज्यादा सीधा साधा भोला भाला कोई है तो वो शंकर ही है। कौन है? बहुत सुंदर बात कही है, मात्र शंकर भगवान के शिवलिंग के स्वरूप का स्पर्श कर लेने पर जीवों के कई पाप नष्ट हो जाते हैं, कोई रोग कोई बीमारी भी शरीर में आ रही हो तो वो कट जाती है, कट जाती है। स्पर्श मात्र से मात्र स्पर्श करने से एक कोई बीच में कोई आ गए थे, टीवी खोलते थे तो बताते थे कि पर्स खोल लो और यहां से हम आशीर्वाद दे रहे हैं, उसमें काला पर्स रखो और ये रखो और वो रखो, और उन्होंने एक बार बस मुख से कह दिया था कि शिवलिंग घर में नहीं रहना चाहिए, और लोगों ने अपने अपने घर से शंकर जी के शिवलिंग को निकाल के कहीं पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया, कहीं मंदिरों में रख दिया, इतने पीपल के पेड़ के नीचे मंदिरों में इतने शिवलिंग हो गए, नदियों में पड़े हुए शंकर के शिवलिंग मिले। उन्होंने जब लोगों से कह दिया, जो शंकर की कथा पढ़ा ही नहीं है कभी जिंदगी में, जिसने शिव महापुराण का अनुमोदन नहीं करा, जिसने कभी लिंग पुराण नर्मदा पुराण गरुण पुराण पद्म पुराण अग्नि पुराण नारद पुराण वामन पुराण ब्रह्मवर्ता पुराण इन पुराणों का अनुमोदन ही नहीं करा, पढ़ा ही नहीं है, वो कह देते हैं कि शंकर का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए। मेरा निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती अगर शंकर का शिवलिंग जिसके घर में विराजमान है उसके घर में कभी बड़ी बीमारी का आगमन नहीं हो सकता, और यदि बड़ी बीमारी आ भी गई
तो आपको साध रखेगी, आपको दुख तकलीफ नहीं देगी, रोग ठीक करने की सामर्थ्यता रखेगी, रोग ठीक करने की सामर्थ्यता वो यदि आ भी गई, मान लो यदि आ भी गई तो रोग ठीक करने की, बस आप स्मरण बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को रोज नए वस्त्र चाहिए, भगवान को रोज नया भोग चाहिए, भगवान को रोज नया श्रृंगार चाहिए, भोलेनाथ को केवल एक लोटा पानी चाहिए, और वो पानी में भी लोग छल कर जाते हैं, मंदिर जाकर मंदिर का ही लोटा उठाकर, मंदिर का ही पानी भरकर, मंदिर के ही शंकर जी को चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि मैंने पुण्य कमा लिया, पाप कमा कर आते हो, मंदिर की मंदिर में जो लोटा है वो किसी दूसरे का है, कलश दूसरे का है, पानी दूसरे का, बिजली खर्च हुई, पानी भरा, बावड़ी से लाया, बाल्टी भरी, जल दूसरे का, और मंदिर के शंकर को चढ़ाकर सोचते हो पुण्य मिल गया, नहीं, यदि पुण्य कमाना है तो लोटा मंदिर का लिया है, पानी मंदिर का लिया है, तो लोटे की अठन्नी और जो पानी लिया है उसकी अठन्नी, एक रुपया पहले दान पेटी में डालो, उसके बाद फिर आप लोटा भर के पानी चढ़ाओ तो पुण्य मिलेगा, दूसरे की लगी लगाई थाली मिल जाए, दूसरे की लगी लगाई थाली, आंवले की पूजन करने गई थी, बड़ के पेड़ की पूजन करने गई, सोमती अमावस्या का पूजन करने गई और लगी लगाई किसी की थाली मिल गई, उसका कंकू चावल रोली मोली सब चढ़ाई आई, और बिचारी जो बात में आई उसकी थाली में से सब साफ, तो उसके मन में तो आ गया चलो चढ़ा तो दिया ना, भगवान को ही चढ़ाना, कोई बात नहीं, पर पुण्य आपके खाते में नहीं जाएगा, पुण्य उसके खाते में जाएगा जिसकी थाली थी। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि मंदिर में दिया लगाने जाओ तो मंदिर में एक दिया आपका पहले से रख कर आ, फिर भले किसी के भी दिए में तुम दिया लगाओ, उसके बाद बत्ती का डब्बा लेके जाओ, फिर मंदिर में दिए में तुम बाती रखते जाओ, पर यदि तुमने उस मंदिर में कभी एक मिट्टी का दिया दान नहीं करा, तुमने एक दीप वहां नहीं रखा, और उसके बाद तुम बत्ती का डिब्बा लेकर जा रही हो और दूसरे के दिए में दिया लगा के आ रही हो, तो वह पुण्य तुम्हारे खाते में नहीं जाएगा। गरुण पुराण भी कहती वह पुण्य तुम्हारा नहीं है, जिसका दिया था पुण्य उसके खाते में जाएगा, पुण्य उसके खाते में, पुण्य उसके खाते में पहुंच जाएगा, आपके खाते का पुण्य आपके हाथ में होना चाहिए। हम कई बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। दुकानों पर लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो। शिव महापुराण कहती है जब पैदा हुए थे मां के गर्भ में थे उस दिन से लेकर मरोगे तब तक शंकर की निगाह में रहोगे, और कोई दूसरा कर्म का भोग भोगने वाला नहीं होगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं को भोगना है। दुकान पर बैठकर तुम छल कर रहे हो कि बेईमानी कर रहे हो कि कपट कर रहे हो कि किसी को लूट रहे हो कि ब्याज का धन खा रहे हो कि कैसा धन खा रहे हो, वो पैसा तुम कमा कर ला रहे हो, बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, पत्नी के फैशन में लगाओ, घर को चलाने में लगाओ, माता पिता की दवाई गोली सब में लगाओ, मना नहीं है, तुम्हारे को भगवान ने पैदा इसलिए करा है कि कर्म करना, भगवान का भजन करना, मृत्यु लोक में पैदा इसलिए करा कि घर परिवार को साध कर चलना, और शास्त्र कहता है कि पति के नाम के आगे धर्मपति नहीं लिखा होता पर नारी के नाम के आगे धर्मपत्नी लिखा होता, क्यों? क्योंकि पति अगर कमाएगा तो उसको झूठ बोलना पड़ेगा, पति अगर कमाएगा तो उसको बेईमानी करना पड़ेगा, पति अगर कमाएगा तो उसको छल भी करना पड़ेगा, पति अगर कमाएगा तो उसको कपट भी करना पड़ेगा, पर धर्म पत्नी का लक्षण है कि वो कैसी भी कमाई करके लाए उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर सत्कर्म कर दे, पुण्य कर दे, दान कर दे, कहीं गौ माता में, कहीं वृद्धाश्रम में, कहीं जीव को, कहीं भोजन में वो सत्कर्म कर दे, कहीं बहन बेटी को, कहीं कन्यादान आदि में सत्कर्म कर दे। पर कमाया तुमने, दुकान तुमने चलाई, व्यापार तुमने करा, छल बेईमानी कपट तुमने करा, पत्नी ने तो उसका भोग करा, बच्चों ने उसका भोग करा, पढ़ाई भी करी, खूब एंजॉय भी करा तुम्हारी कमाई से, तो कर्म का भोग ऊपर जब जाओगे तो ना पत्नी को भोगना है
न बच्चों को भोगना है। तुम कहोगे यमराज से, भैया मेरे अकेले को नरक क्यों भेज रहे हो, पत्नी को भी तो नरक भेजो, उसने तो रोटी खाई थी, बनाई थी, पार्लर भी गई थी, पैसा तो मेरा ही खर्च करा था। तो यमराज भी कहेगा पत्नी ने ये थोड़ी ना कहा था कि झूठ बोल के कमा के लाओ, तुम्हारा काम है भरण पोषण तो करना पड़ेगा, तो बच्चों को भी नरक भेजो क्योंकि उन्होंने भी तो भोग करा है उसका, खूब एंजॉय करा, पार्टी मनाई, खूब केड़ी पार्टी करी, जन्मदिन करा, ये करा, खूब गाड़ी चलाई, पेट्रोल भूखा, डीजल भूखा, तो उनको भी तो क्यों, उन्होंने थोड़ी ना कहा कि पापा तुम हमारे लिए छल करो, बेईमानी करो, कपट करो। वो तो तुम्हें आगे बढ़ना था दुनिया से, तुम्हें दिखाना था कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें दिखाना था कि मैं अब्बल आना चाहता हूँ, बस तो भोग भी तुम भोगो, भोगाई को भोगी। तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा, पूरा खानदान करेगा, पर कर्म का भोग तुम्हें अकेले करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, कर्म का भोग तुम्हें अकेले करना, दूसरा नहीं करेगा। निवेदन। और ये कर्म का भोग भोगना, वहां भी एक बार जाकर जवाब तो देना पड़ेगा कि पृथ्वी पर गया था तुझे, मां के गर्भ से पैदा हुआ, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, भजन करूंगा कहता था और भोजन में लग गया, रे तुझे मेरी याद नहीं आई, परमात्मा भी कहेगा, परमात्मा चेन्नई के वृद्धाश्रम में जब हम घूमने के लिए गए, वृद्धाश्रम जब हम कथा करने चेन्नई में गए थे, माहेश्वरी समाज की कथा थी, तो वहां वृद्धाश्रम में गए तो बूढ़े लोगों के पास में बैठकर थोड़ा चर्चा करने, क्योंकि बुजुर्ग लोगों के मन की बात उनको निकालने का मौका नहीं मिलता, घर में बहुएं नहीं बोलने देती, बेटे नहीं बोलने देते, जरा जरा सी बात होती बच्चे कहते तुम चुप बैठो, तुम्हें अकेले क्या, तुम शांति रखो, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा ना, चुप रहो। बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप को चुप करना सिखा देते। तो वृद्धाश्रम में हम बैठे थे, ऐसा पलंग डला हुआ था, सभी लोग बैठ गए, बात निकली तो हमने कहा, एक बुजुर्ग माता थी, वॉकर लेकर चलती थी, हमने उनसे पूछा क्या आपको कभी बच्चों की याद नहीं आती? वो बुजुर्ग माता की आंख में से आंसू निकलते हुए बोले, गुरुदेव ऐसा कोई घड़ी, पल, क्षण, घंटा, मिनट नहीं निकलता जिस समय हमें याद ना आए, जिस समय हमें याद ना आए। गुरुदेव हर क्षण कहीं पोतों की, पोती की, बच्चों की याद आती रहती है, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बच्चों की याद आती रहती है गुरुदेव, पर करें क्या, हम मिल नहीं सकते, आते ही नहीं है, तब मिले कैसे, हमारा मिलन कैसे। नयन जल है, नयन बिंदु है, नयन अश्रु है, हमें उस पल, उस घड़ी, हर पल उनकी याद सताती, पर मिलन नहीं है साहब, मिलन। जैसे ये वो कही, हमसे पूछा, गुरुदेव ये बताओ कि ये हमारी किस्मत में लिखा, हमने कहा बहम हो सकता है कि कर्म का दंड हो। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर एक चींटी भी काटती है तो उसमें भी कर्म का दंड भोगना है, एक ठोकर भी लगी है तो उसमें कर्म का दंड भोगना है, एक अगर कील भी छुपी है, अगर एक कांटा भी छुपा है तो उसमें कर्म का दंड भोगना है। मनुष्य की देह में कर्म का दंड भोगने के लिए मानव का शरीर मिला, यह मानव का शरीर ही कर्म का दंड भोगने के लिए मिला। दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भगवान का भजन करो और दूसरा पूर्व में जो कर कर आए हो उसका भोग भोगो,
खूब दान पुण्य संकीर्तन सत्संग किया है तो फिर कथा सत्संग का स्मरण कर खूब ऐश्वर्य राम की जिंदगी निकालो, और यदि कष्ट दिया है तो कष्ट भोगो, ये कर्म का दंड है जो हमें भोगना। आज टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पूरे भारत की भूमि क्या देश और विदेश में बैठे हुए जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं, ऑनलाइन लाइव सुन रहे हो, उनसे निवेदन है ये आपके पूर्व के कर्म का कोई सुख होगा, आपके पूर्व के कर्म का कोई आनंद होगा जो आप कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रहे हो, कथा के रस तत्व को श्रवण कर रहे हो। 300 वर्ष में पड़ने वाला यह श्रावण का महीना जो सोमवार से सोमवार शुरू हुआ है, दो शनि प्रदोष पड़ रहे हैं, साथ में सोमती अमावस्या वो भी पुष्य नक्षत्र की पड़ी है, ऐसे श्रावण के महीने में 300 वर्ष में पड़ने वाले सावन में जो आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, जिंदल परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा जो ऑनलाइन कथा करा रहे हैं और उनके पुण्य भाग्य से हम सब कथा सुन रहे हैं, ये आपके सौभाग्य का विषय है, ये आपके आनंद का विषय है। आप अपने घर में बैठकर ये कथा का जो रसतत्व ग्रहण कर रहे हो उसमें तुम्हें सुख का अनुभव होना चाहिए कि हमारे तो भाग्य खुल गए, हमारी किस्मत का हम क्या सराहना करें, कहीं हमारे पुण्य का, कहीं हमारे पूर्व का जो पुण्य होगा, हमारे अच्छे कर्म का जो आनंद होगा वो आज हमें प्रकट हो गया, वो सुख हमें मिल गया, वो आनंद हमें प्राप्त हो गया, वो कर्म आनंद हमें, इसलिए ये जीवन, ये मनुष्य की देह, ये शरीर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवत भजन का है, शिव मंदिर की चौखट से निकल कर जाना और सामने भी अगर मंदिर में माथा नहीं झुके तो मत झुकने देना, प्रयास करना कि मैं शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाऊं, भगवान से ये प्रार्थना करते रहना, बाबा अंत में मेरे अगर प्राण भी छूटे भोलेनाथ, परिवार वालों से कह देना अगर मरूं भी ना, मेरे प्राण भी छूटे ना, तो ले जाते समय शमशान के पास में कोई शंकर का मंदिर दिखे तो वहां मेरी अर्थी को ले जाते समय थोड़ा सा स्लो कर दे, मुझे शंकर से लगन लगी है। कल एक बिहार से किसी मां का फोन था, कह रही थी गुरुजी से कहना लिखकर भेजा है, बहुत जिंदगी निकल गई, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, शादी कर दी सब, कोई पूना में कोई कहीं रह रहा है, पति नहीं है, मैं अकेली रह रही हूं, घर दौलत संपदा इतनी नहीं है, पर बाबा से विनती जरूर करूंगी मेरे वेदनाथ से, मेरे बाबा घर वाले से, कि बाबा धाम वाले से, कि वो कृपा कर दे एक बार मैं भी शंकर की कथा करूं। मेरी मां, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये जिंदल परिवार जो कथा करवा रहा है, ये वृद्धाश्रम का जिस जगह निर्माण हो रहा है, गौशाला जहां बन रही है, ये जिंदल परिवार तो करा रहा है, पर कथा ये आप सबकी है, ये मत सोचो कि जिंदल परिवार ने करा, आपकी है, आपको समर्पित है, आपको समर्पित है ये कथा। मुझे कभी कभी बच्चे लोग मैसेज दिखाते हैं तो सुनकर पढ़कर मुझे भी बड़ा दुख होता है, आपकी जो लगन लगी है शंकर पे, उस शिव से विनती जरूर करना कि बाबा एक बार तो दर्शन देना विश्वनाथ, एक बार तेरा दर्शन मिल जाए मुझे, बहुत दिन हो जाते हैं दर्शन नहीं मिलते, हमारे इंदौर के हड़िया जी कहते हैं महाराज गुरुदेव बहुत दिन हो जाते हैं कथा सुनने के लिए तरसते हैं, मांटाबू वाली माता जी कहती हैं बहुत दिन हो जाते हैं कथा सुनने के लिए
बुजुर्ग लोगों की आस ये रहती है कि जब सब बच्चे बहुएं काम से लग जाएं तो कहीं तीर्थ व्रत में कथा का लाभ ले लें। कर की शरण जरूर जाओ, शिव के द्वार जरूर जाओ, और एक बार मौका मिले और बाबा आपको दे तो शंकर की कथा का अनुमोदन जरूर करो। सुनो, सुनवाओ, जैसे आज जिंदल परिवार ने सुनवाया, सुनो सुनवाओ और सुनने का आनंद पाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।